Hey everyone, this is Shilpi and welcome back to my channel. So friends, आज का जो वीडियो है वो फाउंडेशन के ऊपर है, किस तरह से आप फाउंडेशन लगा सकते हैं. तो इसमें मैं सारे ही तरीके बताऊंगी, हाथ से, ब्रश से, स्पंज से, या किस तरह से आप फाउंडेशन चूज कर सकते हैं, एवरीथिंग. तो मेरी एक सब्सक्राइबर है मिसेस कासिम करके, उनका आइडिया है, बहुत पहले मुझसे रिक्वेस्ट की थी उन्होंने ये वीडियो बनाने के लिए. सो आई एम सॉरी मैं थोड़ी सी लेट हो गई इस वीडियो को बनाने में, लेकिन ये फुल डिटेल वीडियो है, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा आपका जो कवर नहीं होगा. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. सो फाउंडेशन लगाने के तीन तरीके हैं, एक तो आप फिंगर से लगा सकते हैं अपनी, एक स्पॉन्ज से लगा सकते हैं एंड ब्रश से लगा सकते हैं. ये डिपेंड करता है वेरियस थिंग्स पे कि एक तो आपकी स्किन टाइप कैसी है, आपका बजट कितना है, आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि स्पॉन्जेस एंड ब्रशेस के प्राइसेस बहुत हाई हैं आजकल. और प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट किस तरीके का है, लिक्विड फॉर्म में है, स्टिकी है, ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए. तो ये कई चीजों पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल यूज करेंगे. अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ चीपेस्ट ऑप्शन का, दैट इज आर फिंगर्स. फिंगर्स से अगर आप लगाओगे तो इसके लिए आपको कोई भी प्राइस पे नहीं करना है. तो सबसे अच्छी चीज होती है जब हम अपने फिंगर्स को यूज करते हैं कि एक तो क्लीन होते हैं, आपको 2 मिनट लगेंगे आप अपने हाथ क्लीन करके डायरेक्ट फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, कोई भी बैक्टीरिया एंड जर्म्स आपके फेस तक नहीं पहुंचेगा. सेकेंड, हर जगह अवेलेबल होता है. अगर आप ब्रश एंड स्पॉन्ज को भूल जाते हैं तो फिंगर्स जो है वो आपके साथ हमेशा रहती है, यानी आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं. तीसरी चीज ये है कि फाउंडेशन बहुत अच्छे से आप ब्लेंड कर सकते हैं. अगर मैं बात करूं ड्राई स्किन की, जैसे मेरी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है अगर मैं फिंगर्स यूज करती हूँ, क्योंकि फिंगर्स आर वार्म और जैसे ही वो प्रोडक्ट को छूती हैं वो एकदम से सॉफ्ट हो जाता है और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है. एंड बहुत अच्छी चीज है कि इसमें केकी फेस नहीं लगता है, यानी उतना ही प्रोडक्ट यूज होगा जितना आप चाहते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा और बहुत अच्छे से फिंगर्स से ब्लेंड हो जाएगा. ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है कि ड्राइनेस आपकी खत्म हो जाती है जब आप फिंगर्स यूज करते हो, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है. अब मैं ऑयली स्किन की बात करूं तो ऑयली स्किन पे ज्यादातर पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है. पिंपल्स की प्रॉब्लम तब आती है या तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, एक डस्ट एंड डर्ट और जर्म्स बैक्टीरिया आपके फेस को बहुत जल्दी छूते हैं अगर आपकी ब्रश थोड़ी सी गंदी रह गई, स्पॉन्ज थोड़े से गंदे रह गए या बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हुए, डीप क्लीन नहीं हुए, तो भी आपके फेस पे पिंपल्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं. तो जब आपका हाथ क्लीन होता है तो अच्छे से आप यूज कर सकते हैं और आपको टेंशन नहीं होगी कि मेरे फेस पे कुछ भी बैक्टीरिया और जर्म्स आ गए हैं. तो आप स्किन एलर्जी से बच सकते हैं अगर आप फिंगर्स यूज करते हैं तो. अब मैं बात करूं किस तरह के फाउंडेशन सबसे बेस्ट रहती है अगर हम फिंगर यूज करते हैं, तो स्टिक फाउंडेशन बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि स्टिक फाउंडेशन को ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ब्रश से, स्पेशली मैं बात करूं तो फिंगर्स की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है. एंड कंसीलर्स जो होते हैं, पॉट कंसीलर्स जो होते हैं, वो थोड़े से हार्ड होते, थोड़े से थिक होते हैं और फुल कवरेज वाले होते हैं, तो अगर आप फिंगर्स से उसे ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी आई एरिया पे ब्लेंड हो जाता है कंसीलर. अब मैं बात करती हूँ स्पॉन्जेस की, तो स्पॉन्जेस में बहुत सारी वैरायटी आती है, ओवल शेप आते हैं, फ्लैट शेप आती है, डायमंड शेप आती है, बहुत सारे शेप के स्पॉन्जेस आ रहे हैं और छोटे से लेके बड़े तक सारे ही टाइप के स्पॉन्जेस आ रहे हैं. रेट्स अगर मैं बताऊं तो रेट्स आसमान छू रही है स्पॉन्जेस की, 2,000 से 3,000 तक के भी स्पॉन्जेस आपको मार्केट में मिल जाएंगे. लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ महंगे मिलेंगे, आपको 10 to 20 रुपीज वाले भी मिल जाएंगे. अब स्पॉन्ज में आपको प्राइजेस के अकॉर्डिंग बताती हूँ, अगर आप थोड़े हाई प्राइस वाले लेते हैं, 1,000+ वाले लेते हैं, तो आपके स्पॉन्ज बहुत अच्छी क्वालिटी के आएंगे, बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा. लेकिन ब्लेंडिंग जो है वो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से ब्लेंड करते हैं. एंड सेकंड थिंग, प्रोडक्ट किस तरीके का है, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो बहुत अच्छे से जल्दी ब्लेंड हो जाएगा, लेकिन स्टिक फॉर्म में तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी. अब मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं, क्वालिटी अच्छी है लेकिन एवरी 2 months और 3 months में आपको चेंज करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग है, यानी आपको एवरी 2-3 months में आपको 1,000 से 2,000 रुपीज में खर्च करने पड़ेंगे. तो अब मैं बात करती हूँ इस तरह के, ये रियल टेक्निक का स्पॉन्ज है, ये कितने में मिलता है, ये आपको 400, 500, 300 में मिल जाएगा और ये मेरा ज्यादा ड्यूरेबल रहा है, यानी ये इतनी जल्दी खराब नहीं हुआ, बहुत अच्छे से काम कर रहा है. इसी तरह से मैंने एक और स्पॉन्ज लिया था, ये वाला देख सकते हैं कि दोनों स्पॉन्ज मुझे आई थिंक 1 साल से ऊपर हो गया और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. इनकी जो रेट्स हैं वो 200 से स्टार्ट होती है, डिपेंड ऑन द साइज, क्योंकि अगर आप मिनी वाले लेंगे तो 3 या 4 का पैक आएगा और ये इतना बड़ा लेंगे तो आपका सिंगल पैक आएगा. एंड आई थिंक मैंने इसका 1 KD या 1.5 KD पे किया है, बोथ इसका भी 1 या 1.5 KD मैंने पे किया है और इसका भी, यानी 200 से 500 तक की रेंज में ये आते हैं और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हैं. ब्लेंडिंग वगैरह इसकी बहुत अच्छी है, इसको थोड़ा पानी में सोक करना पड़ता है जब आप लोगे, उसके बाद इसे इजिली अप्लाई कर सकते हैं.
इसके बाद आते हैं चीपेस्ट वन यानी 10 से 50 रुपए की रेंज वाले, वो होते हैं ये वाले स्पॉन्ज या आपके जो पाउडर वाले जो होते हैं, इसमें जो स्पॉन्ज निकलता है इससे भी हम बहुत अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। जस्ट आपने फिंगर से अप्लाई किया फाउंडेशन एंड उसके बाद इससे इजीली ऐसे 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 बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। यानी आपके पास अगर ये है एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा ब्रश और एनी एक्स्ट्रा स्पॉन्ज, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मैं इसे बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, स्पेशली मैं बात करूँ मैक के, मेरे स्टूडियो फिक्स के साथ ये आया था तो इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आप किस तरह का स्पॉन्ज ले सकते हैं, ये वाला जो स्पॉन्ज है ये मैंने आई थिंक 20 रुपीज का लिया था, बहुत अच्छा काम किया है। आप देख सकते हैं इसकी हालत पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है ये, और मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, इतने अच्छे से ब्लेंड होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आते हैं, थोड़े से और बड़े भी साइजेस आते हैं। अगर आपने संभावना सेठ के मेकअप ट्यूटोरियल देखे हो तो उसमें वो एक स्पॉन्ज यूज करती है, काफी थिक है, काफी बड़ा है, बहुत अच्छा स्पॉन्ज है, मल्टीपर्पस है। इससे आप फाउंडेशन लगा सकते हो, इससे आप यहां पर कंटूरिंग कर सकते हो, क्रीम कंटूर, इसी से मैं पाउडर भी प्लेस कर सकती हूँ आईज के पास, इसी से मैं अपने कंसीलर को भी ब्लेंड कर सकती हूँ। यानी आप ये 20-30 रुपए में सारा काम कर सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मनी डालने की जरूरत नहीं है। देन मैं बताऊं फ्री स्पॉन्ज, यानी मैं फ्री स्पॉन्ज किस तरीके से लेती हूँ, तो ये कुछ स्पॉन्जेस हैं, ये मैंने फ्री लिए थे, ये मैक में मिलते हैं, बेसिकली फ्री नहीं है। जब आप कहीं जाओ ट्यूटोरियल वगैरह करवाओ या एक दो प्रोडक्ट ले लो तो वहां पे ये रहते हैं, वो लोग अपने काम के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछ कर ही लेती हूँ कि एक स्पॉन्ज ले लूं या दो ले लूं। तो ये स्पॉन्ज बहुत अच्छे, इनकी क्वालिटी अच्छी है, चाहे ये मैक के स्टोर में अगर ऐसी भी चीजें मिलेंगी ना तो वो अच्छी ही होंगी। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है, स्पेशली आई लाइक इन माई कंसीलर एंड प्रेसिंग माई पाउडर, बेकिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, नोज के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि शार्पली यहाँ पे आ जाता है, बेकिंग के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह के स्पॉन्जेस अगर आप मैक के फैन हैं, मैक वगैरह के प्रोडक्ट लेते रहते हैं, या कभी आप गए कोई ट्यूटोरियल इस तरीके से मेकअप वगैरह करवा लिया, लेकिन हमेशा पूछ कर ही लेना, ऐसे मत ले लेना। तो ये है स्पॉन्जेस को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन। अब स्पॉन्जेस को लेकर मैं एक बात बताऊं, अगर आपके लिक्विड फाउंडेशन है तो बहुत ज्यादा सोक हो जाता है, अगर आप ब्रश यूज करेंगे, फिंगर यूज करेंगे तो लिक्विड फाउंडेशन या लिक्विड प्रोडक्ट इतने ज्यादा सोक नहीं होगा, जितना आप लेंगे उतना आप पूरा यूज कर सकते हैं। लेकिन जब मैं स्पॉन्ज यूज करती हूँ तो आधा प्रोडक्ट या मैं कहूंगी 30% प्रोडक्ट इसमें चला जाता है, यानी यू हैव टू टेक मोर प्रोडक्ट अगर आप स्पॉन्ज यूज कर रहे हैं तो। लेकिन इस पे भी डिपेंड करता है कि स्पॉन्ज किस तरीके का है, अगर मैं ये वाला स्पॉन्ज बात करूं तो ये बहुत ज्यादा सोक करता है, लेकिन अगर मैं इस वाले स्पॉन्ज की बात करूं ये थोड़े से स्टिफी है, सॉफ्ट है लेकिन स्टिफी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सोक नहीं करता। स्पेशली मैं इसकी बात करूं तो ये ज्यादा सोक नहीं करता, ये फिर भी थोड़ा सा करता है, लेकिन व्हाइट वाला बहुत ज्यादा सोक करता है। तो इसे मैं बेकिंग में यूज करती हूँ एंड फुल कवरेज कंसीलर में यूज करती हूँ। अब आती है बात ब्रशेस की, ब्रशेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी आप 2 से 3 साल तक उन्हें यूज कर सकते हैं, रेंज जो है उसकी 100 से लेके 5000 7000 तक की रेंज आती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं। ब्रश में 3 टाइप्स होते हैं, एक होती है स्ट्रिपलिंग ब्रश, एक होती है डेंस ब्रश और एक होती है फ्लैट ब्रश। स्ट्रिपलिंग ब्रश जो होती है वो इस तरह की होती है, ये है स्ट्रिपलिंग ब्रश और ये है रियल टेक्निक की, इससे फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। बेसिकली फाउंडेशन को इस तरीके से आपको यूज करना होता है और बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है। इसे मैं कोई भी क्रीम ब्लशर जो होता है उसको यूज करने के लिए यूज करती हूँ, जस्ट थोड़ा सा लिया और बहुत अच्छे से यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। क्रीम प्रोडक्ट यूज करने के लिए बहुत अच्छी है, इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। देन आती है डेंस ब्रश, डेंस ब्रश जो होती है वो इस तरह की होती है, यानी इससे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं और जो इसके ब्रशेस हैं वो बहुत अच्छे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी इस तरह की नहीं है, ये होती है पाउडर ब्रश, यानी यहाँ पे आप इससे फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर सकते, ब्रशेस आप देख सकते हैं बहुत जल्दी अलग हो रहे हैं। ये पाउडर के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके ब्रशेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, यानी बहुत ज्यादा अच्छे से डेंस है, तो इससे फाउंडेशन बहुत अच्छे से यूज होती है एंड क्रीम कंटूरिंग इससे बहुत अच्छी होती है और ये बहुत ज्यादा चीप आती है। ये मैंने 250 रुपीज का फुल पैक लिया था, 5 ब्रशेज इसमें आई थी। तो अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह के ब्रशेज भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा महंगी लेने की जरूरत नहीं है, या तो आप इस तरह की स्पॉन्ज यूज कर लीजिए या इस तरह की ब्रशेज यूज कर लीजिए। देन एक ओवल ब्रश आती है जो बहुत ज्यादा डेंस होती है, आप बिल्कुल भी इसमें गैप नहीं देख सकते, इसके ब्रशेज बहुत अच्छे से डेंस है, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी मेकिंग है। ये मेकअप रेवोल्यूशन का मैंने पूरा सेट लिया था, इस तरह का
ये पूरा सेट है जिसमें एक फाउंडेशन ब्रश आई थी एंड एक कंसीलर ब्रश आई थी और एक कॉन्टोरिंग ब्रश आई थी। तो ये ब्रश सेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी की निकली है मेरी और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है सब कुछ। अगर मुझे कॉन्टोरिंग करनी है तो भी मैं इससे आराम से कर सकती हूँ, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिक्स हो जाती है। तो ये ओवल ब्रश जो है अभी कुछ साल पहले ही चली थी और बहुत अच्छा काम करती है, मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगा। एंड स्पेशली मुझे अगर कंसीलर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर नोज के पास ये बहुत अच्छे से सेट होता है और बहुत अच्छे से यहाँ पर ब्लेंड हो जाता है। तो कंसीलर, कंटूरिंग एंड फाउंडेशन की तीनों ब्रश मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी हैं और बहुत बहुत अच्छा काम करती हैं। देन आती है फ्लैट ब्रश, इस तरह की होती है फ्लैट ब्रश। ये फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए अच्छा है लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि इससे ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आपने इसी से अप्लाई किया है इस तरह से तो वो आपको केकी फेस देगी क्योंकि फाउंडेशन अच्छे से मर्ज नहीं हुई है, वो ऊपर ही ऊपर रह जाती है, आपको लगेगा कि फाउंडेशन सेट है लेकिन सेट नहीं होती है। तो जस्ट इसको फाउंडेशन, अगर आपकी लिक्विड फाउंडेशन है या थोड़ा सा कंसीलर वगैरह है तो यहाँ पे लगाने के लिए बहुत अच्छा है। फाउंडेशन को आप पूरे अच्छे से प्लेस कर सकते हैं, देन एक स्पॉन्ज लीजिए और उससे आप पूरे अच्छे से सेट कर सकते हैं। स्पॉन्ज से क्या होगा, जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो इसमें आ जाएगा और बहुत अच्छे से फाउंडेशन आपकी बिल्ट हो जाएगी। जो डेंस ब्रश होती है उसको हम कबूकी ब्रश भी बोलते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इस तरह की लगती है ये। तो अगर किसी साइड पे आप देखते हैं कि कबूकी ब्रश एंड डेंस ब्रश, तो इसको आप ले सकते हैं टू अप्लाई योर फाउंडेशन। ब्रशेस से बहुत अच्छे से आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, आपके हाथ गंदे नहीं होंगे और कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा आपको केकी इफेक्ट दे सकता है, यानी थोड़ा सा आपको केकी फिनिशिंग लगेगी जब तक कि आप स्पॉन्ज यूज ना करें और उसे फुल तरीके से सेट ना करें। तो जब भी मैं ब्रश यूज करती हूँ तो मैं हमेशा उसके बाद स्पॉन्ज यूज करती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा एक डर रहता है कि कहीं ना कहीं मेरा फेस जब पसीना आएगा तो वो केकी लगने लगेगा, यानी पैचेस मेरे फेस पे दिखने लगेंगे। ब्रशेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब कोई प्रोडक्ट मुझे फुल कवरेज नहीं देता है। जब भी मैं स्पॉन्ज यूज करती हूँ तो वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सोख हो जाता है, अगेन एंड अगेन मैं लेकर करती हूँ तो मेरे फेस पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आ जाता है, अगर मैं फाउंडेशन की बात करूँ तो। लेकिन अगर कोई सेमी कवरेज प्रोडक्ट है, यानी फाउंडेशन की इतनी ज्यादा कवरेज नहीं है, या मैं बीबी क्रीम की बात करूँ और उसे आप ब्रश से यूज करेंगे तो आपकी जो कवरेज है वो बहुत अच्छी होगी, यानी कोई भी प्रोडक्ट थोड़ा सा भी वो सोख नहीं करेगा और बहुत अच्छे से आप बिल्ड कर सकते हो उसे। अब मैं कुछ टिप बताती हूँ आपको, फाउंडेशन यूज करने से पहले हमेशा हमेशा अपने स्किन को प्रिपेयर करें, यानी अगर आपको फेस पैक लगाना है या आइस लगानी है, गर्मी का टाइम है, या आपको मॉइस्चराइजर लगाना है या आपको प्राइमर लगाना है, कुछ भी लगाएं आप अपनी स्किन को पहले प्रिपेयर करें। टूल्स को यूज करने से पहले उसे हमेशा क्लीन करें। अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी में हैं तो आप एक क्लीनिंग वाइप्स भी यूज कर सकते हैं, जो मेकअप क्लीनिंग वाइप्स होती हैं उसे भी यूज करके हम ब्रश को क्लीन कर सकते हैं। ब्रशेस को क्लीन करने का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने 3 या 4 तरीके बताए हैं कि किस तरीके से आप ब्रशेस को क्लीन कर सकते हैं। फाउंडेशन चूज करने से पहले अपने अकॉर्डिंग के कलर लें, कभी भी क्योंकि हमें गोरा होना है, क्योंकि हमें ये होना है, इस तरह की चीजें बिल्कुल ना सोचें। फाउंडेशन जो होती है वो कवरेज के लिए होती है, यानी आपके चेहरे पे जो भी दाग धब्बे हैं वो इवन टोन करने के लिए होता है, आपके चेहरे को जो है वो एक सा बना देगा। यहाँ पे मेरे पिगमेंटेशन नहीं दिख रहा होगा, अगर कोई पिंपल है तो वो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं सोचूं कि ये मुझे गोरा बना देगी तो ये आप बिल्कुल ना सोचें। इसकी वजह से आपका फेस एंड ये नेक एंड बहुत ज्यादा अलग लगेंगे। फाउंडेशन को चूज करने के लिए आप ना गर्दन पे ट्राई करें ना ही फेस पे, इसको यहां से लेके यहां तक लेकर आइए और आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि किस तरह की फाउंडेशन है। अगर आपको ये व्हाइट लग रही है तो लेट मी टेल यू, फाउंडेशन कोई भी फाउंडेशन लें आप, थोड़ी सी ऑक्सीडाइज होती ही है वो, इसीलिए थोड़ा सा लाइट कलर इज ओके। अब हमें इसे ब्लेंड करना पड़ेगा, तो ब्लेंड करते समय आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन में कितने अच्छे से मर्ज हो गई है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गर्दन और फेस पे मेरे कितने अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी फाउंडेशन एक शेड लाइट आ गई है तो आप एक शेड डार्क पाउडर ले लीजिए अपने फेस से और आप उसको बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। किस तरह के वीडियोस और आप चाहते हैं, किस तरह का लगा ये वीडियो, सारे ही कमेंट मुझे करके बताना, बिकॉज योर कमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरा दूसरा भी चैनल है, अगर आप सिर्फ कुवैत के वीडियोस देखना चाहते हैं नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और सिर्फ उस पर कुवैत की वीडियोस ही मैं अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आती है, फोटोज आते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।